बाद लेता है। अब यही माँ अब निकली अपनी बेटियों के लिए दामाद ढूंढ रही है, समझ रहे दामाद। अब इसी की हालत मालूम, जब जब बहू ढूंढने गई थी वो पहला केस किंग, अब दामाद ढूंढने निकली है ये वालिद, ये वालदा और ये भाई अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने। तो अब ये तीनों गुलाम की शक्ल में रहते, कैसे, अरे बहुत अच्छी बच्ची है, कोई तो भी कर ले तो अच्छा है, थोड़ा सा वजन ज्यादा है, उसमें क्या होता है, सेहत तो अच्छी चीज है ना। तो माँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले इतने लोगों को तुमने सेहत के वजह से तो रिजेक्ट किया, जब नहीं याद आया उनकी भी थोड़ी सेहत ज्यादा थी, लेकिन वो बच्चे ही बड़ी काम की बच्चियां थी, कोई नुक्स नहीं था, वो सेहत अल्लाह की नेमत है, नेमत है, उसमें क्या है वजन, नहीं नहीं हम तो वेट मशीन लेके निकले थे, जब 50 किलो से ऊपर होना ही नहीं, 45 to 50। मेरी बेटी में थोड़ा वजन ज्यादा है लेकिन चंचल है, ये है वो है, यही तो मसला था ना। अब भिखारी एकदम गुलाम, अरे कोई तो कर ले, मेरी बेटी बहुत फला है, थोड़ी खाली हाइट कम है उसका, हाँ यही तो मसला था ना, बहू की तलाश में तो वो पूरा हाइट का वो लेके घूम रहे था पैमाना, खड़े रहो, नहीं 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 5'2" नहीं चलेंगे, 5'3" छोना, दीनदारी भी अच्छी सब, लेकिन 5'3" भी रहती तो शायद एडजस्ट हो जाता था, 5'4" की एक्सपेक्टेशन है हमारी, समझ रहे हम, अल्लाह रहम करे। यही यही लड़का जो अपने लिए इतनी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका था, अपनी बहन के लिए अपने दोस्त को भी कभी कहता है, अरे बहुत अच्छी है रे मेरी बहन, बहुत काम की है रे, थोड़ा सेहत ज्यादा हो गई, थोड़ी हाइट, क्या हुआ देखो, तो बोलते बेटे तुम्हारे वक्त ये नहीं सोचा तुमने कभी हमारी बहनों को रिजेक्ट किया जवा कर, तो नहीं नहीं मेरे को जब समझ में नहीं आया, आप मेरे को बहुत समझा, बोलते हाँ ठीक है अभी समझते रहो तुम थोड़े दिन और। कैफियत कैसा हो सकता है कि एक औरत का ऐसे दो रोल कैसे हो सकते हैं, एक लड़के के ऐसे दो रोल कैसे हो सकते हैं कि एक वक्त जब अपने लिए लड़की तलाश करे तो क्राइटेरियों की लाइन लग जाए और अपनी बहन के लिए एक्सपेक्टेशन करे कि कोई भी लड़का कबूल कर ले उसको। जब तुम ये उसूल बनाते हो अपने खुद साख्ता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी क्या करता है, चीज़ों को मुश्किल कर देता, चूंकि उसके उसूल छोड़े गए, अपने उसूल लागू गए, उसकी शरीयत तर्क की गई, अपनी शरीयत लागू की गई, तो लो बदला फिर उसका, लो बदला फिर उसका, समझ रहे हैं आप बात को, बड़ी अहम चीज है, याद रखी इस बात को, याद रखी। खूबसूरती, खूबसूरती, खूबसूरती का पैमाना गोरी होना, लंबी होना, ये नौजवानों के ज़हनों में कोई खूबसूरती का पैमाना गोरी और लंबी होना नहीं है, खूबसूरती इंसान के दिल में होती है, वो दिल से खूबसूरत होता है, चेहरे से तो वो खूबसूरती का आलम है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, यकीनन मैं किसी